साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। 2021 की सीईटी परीक्षा में छात्र छात्राओं का हित में निम्नलिखित बिंदुओं एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार पूर्व से लापरवाही बरतने संबंधित विषयों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित होकर महामहिम राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कुलपति को नारेबाजी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। सीईटी कमेटी में अन्य जाति के अनुभवी प्रोफेसर को भी स्थान दिया जाएगा। कुलपति द्वारा कांग्रेसी नेताओं को आश्वस्त किया गया, अन्य विषय पर तत्काल जांच की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेसी नेता द्वारा आर्थिक अपराध मध्य प्रदेश शासन ब्यूरो को भी शिकायत की जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करें तथा 2021 की सीईटी कमेटी भंग कर सभी वर्गों को नेतृत्व दिया जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस के मोर्चा संगठन से मिलकर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री अनिल शर्मा, रेक्टर अशोक शर्मा, छात्र कल्याण विभाग अध्यक्ष लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अन्य विद्यालय के अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन अधिकारियों के बीच दिया गया। महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम दिया गया। प्रतिलिपि उच्च शिक्षा मंत्री एवं कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर पूर्व कार्य परिषद सदस्य एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तेज प्रकाश राणे के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद रमेश घाटे, प्रीतीश दास, राजेश यादव, शांतिलाल सैनी, किशोर डोंगरे, विनोद पाल, अभय धोलपुरे, रमेश घाटे, विकास जोशी, भूपेंद्र केतके, पीयूष भिटे, मोहन चौहान, दिलीप ठक्कर, उमेश वर्मा, दीपक चौधरी, मनीष लश्करी, नरेश राय, चंद्रमोहन दुबे, पवन जैन, विनोद कल्याणे, देव बिरगेठे आदि कांग्रेस नेता उपस्थित थे। गगन बेदी नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए गए। साथ ही ज्ञापन सौंपा गया जिसमें कुलपति श्रीमती श्री रेणु जैन जी द्वारा ज्ञापन ग्रहण किया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सीईटी कमेटी में अन्य जाति के प्रोफेसरों को भी लिया जाएगा। नहीं मैडम, मैं आपको दूंगा, आपके कच्छ में बैठ के ज्ञापन दूंगा, मैं अभी नहीं दूंगा। मेरा भी मान लीजिए, ने बोल दिया कि हम तो रोकने के लिए आपको बोला, तो हम मान लेंगे। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं ना, जा रहे हैं, बात करते हैं ना, बात कर लो। क्या शहर के यू समझ रहे हो क्या, छोटो ढाई गिरा के आ गए हो, ज्ञापन देना है? कैसे रोकते हो, नहीं यूनिवर्सिटी के पुलिस का व्यवहार छात्रों के प्रति प्यार भरा होना चाहिए, छात्रों के प्रति, हाँ छात्र नेताओं के प्रति। छात्रों की मानसूनी के प्रारंभ में दी जाती है जो कि भारतीय संविधान के विरुद्ध है तथा उन्हें सर्वप्रथम सामान्य वर्ग के छात्र छात्रों के साथ अनुसूचित जाति के अल्पसंख्यक वर्ग के टॉपर छात्र छात्रों की मानसूनी की जाए, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राप्ति आरक्षण का लाभ हो सके। पांचवा, सीईटी 2021 की कमेटी का गठन पूरी तरह जातिवाद के आधार पर बनाई गई है। इसमें चेयरमैन आशुतोष मिश्रा, संयोजक कन्हैया आहूजा, सह संयोजक वीके त्रिपाठी, प्रतोष बंसल को बनाया गया है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के प्रोफेसरों की किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि इस परीक्षा में सभी वर्गों के छात्र छात्र भाग लेते हैं तथा शासन